ये कौन इसकी पति कौन खा गया गौर भाई, गौर भाई ठीक है। गद्दी एपीपी थोड़ा सा ऐसे कर देना, थोड़ा सा ऐसे अदर परमिशन नहीं नहीं बस वो पीछे कर लो, इसको नीचे करना है, ये ले ठीक हो गया। थैंक यू मैडम। स्कून होना चाहिए, रेडी जी आप भी तशरीफ डन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा फिर नेशनल प्रेस क्लब के एक आपके बावकार फोरम से आप सबको खुशामदीद भी कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर एनलिस्ट होकर सियासत के मंजरनामे पे एक अहम तरीन सियासी सतून के तौर पे रजिस्टर हुई है। ये सियासी सतून जो है वो अवाम और रियासत के अंदर ना सिर्फ पुल का किरदार अदा करने जा रहा है बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान जो है उसको मुस्तहिक बनाने के लिए एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करने जा रही है। आपने देखा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर सियासी जमातों के पास मुख्तलिफ निशानात, मुख्तलिफ उनके मोर देन 150 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के उस प्रोसेस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे लिस्टेड है, लेकिन देखना ये है कि उन सियासी जमातों ने जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर रहीं, जो मेन स्ट्रीम आपके चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के अंदर भी उस सियासी महाज पे तो मुतहरक नज़र आईं और सियासी दावपेच सियासी मैदान में पंजा आजमाई करके एक दूसरे को चारों शाने चित तो करती रहीं, लेकिन उस खोखले नारों की सियासत ने पाकिस्तान के सियासी कल्चर को जिस तरह दीमक ज़दा किया और जिस तरह अवाम को सुहाने ख्वाब दिखा दिखा कर बारियां लेने वाली जमातों ने सियासत में आने के बाद अपने अपने सियासी मफादात का तहफ्फुज किया और उनको वोट देने वाले अवाम जो थे वो उन मंशूरों पे अमल दरामद के लिए हसरत से उन हकूमतों के टिनोर पूरे होने के मुंतजर रहे। किसी ने सड़कों पे आके एहतजाज करके उन हकूमतों को घर भेजने के लिए एजिटेशन की, कहीं अवाम जो है उनकी पॉलिसी से नाला और दुखी मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च के ज़रिए अपने अपनी परेशानियाँ, मसाइल और
मुश्किलात को हाईलाइट करते रहे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी उस सियासी जत्थे के अंदर एक रुकन की हैसियत से अपनी सियासत का आगाज नहीं करना चाहती। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अगर वही रिवायती सियासत जो 76 साल से पाकिस्तान में हो रही है, तो फिर हम भी जितने लोग इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अंदर आए हैं, उन जमातों के अंदर अपनी अपनी सीटें पक्की करके अपनी जात की सियासत में ही वो एजेंडा जो है वो टो करते रहते जो बाकी जगहों पे हो रहा है। हमने मुश्किल रास्ते का आगाज किया, मुश्किल सफ़र जहांगीर तरीन साहब की क्यादत में और अलीम खान साहब की सदारत में हम बाज़ाब्ता तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन के मरहले के बाद 13 अक्टूबर से जंग से अवाम से अपना जो रबता है उसको फाल करने जा रहे हैं। 13 अक्टूबर से ये अवामी रबता मुहिम, वर्कर्स कन्वेंशन और मुख्तलिफ अवामी इज्तमात जो हैं वो इंशाल्लाह ये साबित करेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम के हकीकी नुमाइंदों की क्यादत में ग्रास रूट लेवल के जो नेटवर्किंग और सियासी जमातों की ऑक्सीजन होता है कारकुन, उनकी ताकत से वो बिखरे हुए ख्वाब जिनको ताबीर नहीं मिल सकी, अलामा इकबाल की क्यादत में जिस हकीकी पाकिस्तान का तसव्वुर देखा गया था, ख्वाब देखा गया था, उस नामुकम्मल पाकिस्तान का जो कायदे आज़म की क्यादत में इस पाकिस्तान का क़याम यकीनी बनाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नामुकम्मल पाकिस्तान आज भी क़याम पाकिस्तान से लेके इस्तेकाम पाकिस्तान का जो सफ़र है उसके अंदर एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसी क्यादत का मुंतज़िर है जो अपनी ज़ात से निकल के वो पब्लिक काज और नेशनल काज को फोकस करे और अपने मफादात की बजाय अवामी और मुल्की मफादात को तरजीह दे। इंशाल्लाह अलामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और कायदे आज़म के हकीकी पाकिस्तान की तस्वीर जो है वो आपको इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से उसकी झलक नज़र आएगी। चूँकि आप जानते हैं कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करने के लिए पुरज़म है और हमने ये सियासी सफ़र का जो आगाज़ किया है इसका मकसद सियासत और रियासत दोनों को यकजा करना। ये बिखरी हुई कौम जो इस्तराब, हैजान और अफरा तफरी का शिकार है, इस इंतशार शुदा बयानिए के साथ जुड़ी जो कौम इस वक्त मुख्तलिफ लसानी, मजहबी और सियासी ग्रोह बंदियों का शिकार है, उसको एक कौम के तौर पे इकट्ठा करके उनकी हकीकी जो तवानाई है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल करना, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर का अहम तरीन जुज़ है। और हमारा मैनिफेस्टो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का वो रोड मैप है जिसका कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। और हम ये समझते हैं कि जो सियासत के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को खोखले नारों की बजाय एक सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम की ज़रूरत है।
और वो सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम अवाम को पार्टनर बनाए बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। यानी वो मसल्लत किए गए मंशूर या पॉलिसीज जब तक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के तौर पे अवाम को एक हकीकी सियासी जमात अपने कैपिटल और एसेट के तौर पे एंगेज नहीं करेगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क की अवाम को सियासी ईंधन तो बनाया गया, लेकिन उस अवाम के नाम पे लिए गए जो वोट थे, वो वोट सिर्फ नोट इकट्ठे करने में इस्तेमाल होते रहे और उन वोटों का तहफ्फुज और इज्जत के माजी में नारे तो आपने सुने कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को इज्जत दो कि कोई बात आपने नहीं सुनी होगी। वोट एक कागज की पर्ची है, उसका अमीन और उसका कस्टोडियन जो है वो वोटर है, और वोट को इज्जत दो कैसे हो सकता है मुमकिन जब तक वोटर को उसके इज्जत नफ्स का तहफ्फुज दे के वो इज्जत और एहतराम नहीं मिलता। तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी वोटर को इज्जत देना चाहती है, उसके बुनियादी हकूक का तहफ्फुज यकीनी बना के। और आपको पता है कि रियासत और सियासत को जोड़ने की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ मैं हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसकी तमाम जो पॉलिसीज, उसके साथ जुड़े जितने इनिशिएटिव हैं, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि ये एक मॉडर्न तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल के खुशहाल पाकिस्तान के लिए ये एक नेशनल इनिशिएटिव प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को जिस कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन से सिपा सलार की क्यादत में आगे बढ़ाया जा रहा है, मैं इस बात पे पूरी उम्मीद हूँ कि जब हम रियासत की बात करते हैं तो कोई भी रियासत जो है वो कमज़ोर मईशत के साथ बैन अल-क़ौमी सतह पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का तहफ्फुज नहीं कर सकती। कमज़ोर दिफा जो है वो पाकिस्तानियों के जो शनाख्त, असास, वकार और तशख़्ुस का रिश्ता है, वो ना नज़रियाती सरहदें और ना आपकी जग्राफियाई सरहदें महफूज रह सकती हैं। जब तक आपकी मईशत मजबूत ना हो तो कमज़ोर मईशत जो है वो आपकी रियासत के अंदर एक दीमक की तरह वो उसकी असास को खोखला कर देती है। तो लिहाजा ये इनिशिएटिव पाकिस्तान को मजबूत बना के एक मजबूत पाकिस्तान की जो बुनियाद रख दी गई है, वो आने वाला पाकिस्तान जो होगा, मुस्तकबिल का पाकिस्तान, इंशाल्लाह तरक्कियों की वो मनाजिल तय करेगा। और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के उन सब फैसलों के साथ खड़ी नज़र आएगी जहां पाकिस्तान की तमीर व तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान को आगे लेके चलने का रोड मैप जुड़ा हुआ है। दूसरी अहम तरीन जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का, चूँकि इस पाकिस्तान के साथ जो लाजवाल मोहब्बत, ओनरशिप और एक ऐसा कॉर्डियल हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन का रिश्ता है, उसकी बुनियाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एपेक्स कमेटी ने फैसले किए हैं कि पाकिस्तान से वो गैर मुल्की तारकिन वतन जिन्होंने पाकिस्तान का खाया और पाकिस्तान के नमक के साथ नमक हरामी की,
पाकिस्तान को हमने अपने महदूद वसाइल के अंदर उनको अपने कंधों पे बिठा के कई नस्लें उनकी हमने परवान चढ़ाई, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान को जख्म दिए। अब वक्त आ गया है कि हम अपने घर से गंद को साफ करें और हम दूसरे शहरियों का बोझ उठाने की बजाय अपने वसाइल जो है वो पाकिस्तान के शहरियों पर सरफ हों और जो गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस वो अनासर ग्रोह माफियाज की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, आप डॉलर्स माफिया को प्रोब करें, आप स्टेट माफिया ये जो आपके रियल स्टेट सेक्टर के अंदर हैं, कब्जा माफिया आप उनको प्रोब करें, आप करेंसी के माफिया को प्रोब करें, आप ड्रग माफिया को प्रोब करें, आप जहां जहां दहशतगर्दी के नेटवर्क को प्रोब करें, आपको वो मखसूस तारकिन वतन जो है पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार नज़र आते हैं। और जब आपने देख लिया कि वफा का सिला हमेशा जफा की शक्ल में मिला और आपने उनको महफूज बनाने के लिए अपने पाकिस्तान के दरो दीवार को खून आलूद किया और 80,000 से ज़ायद जो हैं वो शहदा की लाशें अपने कंधों पे उठाई, तो आज वो वक्त आ गया है कि हम दूसरों का बोझ उठाने की बजाय अपने कौम के कदमों को मजबूत करें और अपने पाकिस्तान के हर उस मुस्तकबिल के ममार को ये मौका दें कि वो पाकिस्तानी होते हुए सब्ज़ पासपोर्ट को वो इज़्ज़त और तकीर मिले और सब्ज़ पासपोर्ट को बदनाम करने वाले जो जाली पासपोर्ट बना के वो पाकिस्तानी शनाख्त नहीं रखते थे लेकिन पाकिस्तान की जो शनाख्त ले के बैरून मुल्क हर जुराम में मुलव्वस वो अफराद जो हैं वो पाकिस्तान को तकलीफ़ देते रहे। तो मैं अपील करती हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से, जिम्मेदारान से, सिपा सलार से, उनकी टीम से, तमाम नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस से कि आप इनकी मंजी तो ठोक रहे हैं जिनको आप ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जाली और दो नंबर शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनाए और जाली पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान के वजूद को ज़ख्मी किया। तो जिन लोगों ने पैसों के इवज अपनी धरती माँ की शनाख्त को बेचा और इनको वो शनाख्ती कार्ड की शक्ल में या पासपोर्ट की शक्ल में उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उन लोगों को भी सामने लाया जाए और उनको भी कानून के कटहरे में हर हाल में उस शिकंजे में कसा जाए। जो अहम तरीन इशू इस वक्त जो है आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के कुछ अफराद जो हैं गुमराह जहन जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जहर आलूद प्रोपोगंडा मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं और हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी एजेंसीज या पाकिस्तान मुखालफ वो तमाम नेटवर्क्स जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं वो उन यूट्यूबर्स को बड़े फ़ख्र से पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पे हमलावर होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उन नादान पाकिस्तान का लबादा ओढ़े पाकिस्तान मुखालफीन को ये कहना चाहती हूँ कि आपके अबाउजदाद जद अमजद उनकी कब्रें इसी मट्टी के अंदर दफन है और ये धरती माँ का कर्ज है आप पे कि आप इस मट्टी से वफा करें, आप किरदारों को न देखें आप अदारों को देखें, किरदारों को छोड़ दें अदारों को देखें। इस मुल्क को इदारों ने नहीं
किरदारों ने तबाह किया, और वो किरदारों पे हमारी रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन इदारों को मिलाइन करने की, टारगेट करने की और दुनिया के सामने अपनी इस पाक सर ज़मीन की बेतुकीरी करने की जो दानिस्ता कोशिश हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि कोई राजा हो तो ये कौम उसका बाजा बजाने में भी माहिर है, और राजे कई आए और उनके बाजे बजते इस कौम ने देखे, तो इस बात की ज़रूरत है कि जो यू के बाद ट्यूब वाले हैं वो यू, और ये सोच लें कि अगर ट्यूब पंक्चर हो जाती है तो यू की पहचान ख़त्म हो जाती है, तो वो ट्यूब पंक्चर होने के जो मुंतज़िर हैं इस नहज पे ना लेके जाएं पाकिस्तान के इस कौमी एहसास और वक़ार के साथ जुड़े उन जिम्मेदारान को कि वो उन ट्यूब्स को पंक्चर करने के लिए चल पड़े। बहुत सारी की पंक्चर्स हुई हैं ट्यूब्स, और वो यूट्यूब एक स्ट्रेंथ है, हमारे नौजवानों का एक मौसर हथियार है, आपका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच देने का ये बहुत मौसर और दौरे हाजिर का जदीद तरीन फोरम है, लेकिन इसको कौमी सलामती को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको अवाम के दुखों के मदावे के लिए एक उनको रिलीफ देने का प्लेटफॉर्म बनाएं, और जो मुस्बत तजावीज़ इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए दरकार है उसके लिए भी आप आगे बढ़ें, और हुकूमत हो, सियासी जमातें हों या थिंक टैंक इंटेलेक्चुअल फोरम्स हों, वो इस यूट्यूब के ज़रिए पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए वो फार्मूला, पॉलिसीज और वे फॉरवर्ड दें, और यकीनन इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आखिर में चूँकि एक शख्सियत के पाकिस्तान आमद के हवाले से डिस्कशन हो रही है, और बार बार हमें मीडिया पूछता है, और इवन फील्ड में बैठ के वो फील्डिंग पाकिस्तान में सेट कर रहे हैं, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का दौर दौरा है, तो आपको भी पता है कि फील्डिंग कप्तान जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के सेट कर ही नहीं सकता, उसके लिए कप्तान को ग्राउंड में खुद आना पड़ता है, और ख़ास तौर पे कोई भी कप्तान जब मैच खेलने के लिए ग्राउंड में निकलता है तो टास्क करने के लिए कप्तान होता है, तो उसकी टीम बाद में आती है, पहले टास्क आके कप्तान करता है। तो जो कल मैंने रिपोर्ट्स देखी, आपने भी देखी, तो एक 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आने वाले वीआईपी मेहमान जो है वो 21 तोपों की सलामी के तलबगार हैं, और वो 21 तोपों की सलामी के साथ पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो दिल के आर्जे की रिपोर्ट्स हैं वो उनके वोट्स को जो है वो, आपको भी पता है कि जब आप रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि वोट्स जो हैं उनको जद पहुंचती है, तो लिहाजा जो सियासी मियाना रवि का तकाजा है हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी ये अपील और हमारा ये मौक़िफ है कि पाकिस्तान को इस वक्त रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से बहुत पहले ही इंतशार और उंगलियां उठ रही हैं, तो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसे माइट इज़ राइट के कॉन्सेप्ट से निकल के पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे एतमाद करते हुए अपने आप को कानून के हवाले करना चाहिए, और कानून को ये फैसला करना चाहिए अपनी अदालत लगा के अपने आप को बेगुनाह करार देने की बजाय कानून की अदालत को ये फैसला करने देना चाहिए कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है, और जिसको कानून उनकी अगर सज़ा को मुअत्तल करता है, कानून और वो अदालतें अगर उनको सियासत के अंदर स्पेस देती हैं तो उनका हक है वो आएँ और इस मुल्क की सियासी ग्राउंड में खेलें। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी उनका हर सियासी महाज पे मुकाबला भी करेगी,
और हर हलके में हमारा कैंडिडेट जो है वो अपने जोरे बाजू पे अपने पार्टी के निशान और जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की उस ताकत के साथ अवाम की सपोर्ट के साथ हम इंशाल्लाह अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और आने वाला वक्त जो है ये साबित करेगा कि सियासत के अंदर जो पॉपुलैरिटी और सपोर्ट है वो जब तक वोट में कन्वर्ट नहीं होती वो सिर्फ एक फैंटेसी और खाम ख्याली है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये जानती है कि उस सपोर्ट को वोट में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और इंशाल्लाह यही हमारा इम्तिहान है और परवरदिगार हमें इसमें सुरखरू करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया जी रिजवान। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा जो होम ग्राउंड है वो सिर्फ पंजाब नहीं है। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले अनवर सैफुल्ला साहब और इनाम हिशाम साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं केपीके के और बेशमार और हमारे वेलविशर्स जो है वो आईपीपी का हिस्सा बन रहे हैं तो सिर्फ पंजाब तक हमारी जो कह लें कि हदबंदी या हदूदबंदी आप ना करें, हमारे हलके जो हैं वो पूरे पाकिस्तान तक इंशाल्लाह फैलेंगे और हर जगह हम अपने कैंडिडेट्स को प्लेस करेंगे। जो दूसरी बात आपने कही कि उनके आने से हमें क्या स्पेस मिलेगी, देखिए हम किसी की बैसाखियों के सहारे ना रजिस्टर्ड हो के अगर किसी की बैसाखी के साथ खड़े होना था तो हमें अलहदा जमात की ज़रूरत नहीं थी। हम अपने जोरे बाजू पे अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए आप देखेंगे कि 13 अक्टूबर को जो हमारा जलसा है वो एक भरपूर अवामी पावर शो होगा और उसी के अंदर हम एक हर जलसे के अंदर अपने अगले जलसे का ऐलान किया करेंगे, अपना अगला लायअमल दिया करेंगे और हर हफ्ते हमारा एक पब्लिक मोबिलाइजेशन और अवाम राबता मुहिम का जलसा जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में होगा। जो सियासी स्पेस उनका हक बनता है इसका फैसला मैं आप या मीडिया की स्क्रीन में नहीं हो सकता, इसका फैसला अवाम ने करना है, अवाम की अदालत में होना है। तो जो दो शाहकार आपने भी देखे मैंने भी देखे, एक शदरा का शो और एक साबक वजीर आजम की अपने हलके में पजीराई, तो ये अवाम के मूड को जाहिर कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या उस हवाले से जो सियासी और कानूनी अमल है वो क्या रास्ता अख्तियार करता है। देखें हमने पहले दिन से ये मौकफ बार बार मीडिया के जरिए कौम तक पहुंचाया कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत, हम ये क्यों चाहते हैं कि जो 10 साल पहले आपका वोटर रजिस्टर हो गया था और अब 10 साल बाद नया यंग ब्लड जो है वो वोटर बन गया है तो उसका कोई कसूर नहीं है कि वो उस इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना हक रायदही इस्तेमाल ना करें। लिहाजा नई हल्का बंदी जो है इस वक्त के इलेक्शन की अहम तरीन ज़रूरत है। अब हल्का बंदियों की एक आर्जी लिस्टें लगी हैं, वो लाइनें खींच दी गई हैं, उस पर बेशुमार एतराज़ात और तहफ़ुज़ात हो सकते हैं कि वो बगैर किसी से कंसल्टेशन किए किसी सियासी जमात या अवामी नुमाइंदों के बगैर वो हल्का बंदियां जो है उनकी लाइनें खींची गई हैं, लिस्टें नहीं लग जाती। जो मोस्ट प्रॉबली एंड ऑफ दिस मंथ उन्होंने प्रपोज किया हुआ है तो उसके 30 दिन के बाद इलेक्शन का इनकाद होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल
आपकी हलका बंदियों की हतमी फरिश्ते लगने के बाद ही मुमकिन हो सकता है। तो उस इलेक्शन शेड्यूल 30 दिन के ये जो आपका प्रोसेस जो ही मुकम्मल होता है, अगर हलका बंदियों की वो लिस्टें लगने के बाद भी इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता तो आप देखेंगे कि अवामी राय के एहतराम में या कानूनी महाज पे हम अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए दिखाई देंगे। बीबी ऐसे है कि आप केटीके की तरफ विरोध करने जा रही हैं, शाम अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई, अंबर से अब्दुल्ला से भी, क्या प्रोफेसर से भी करीम साहब के कुछ रास्ते हैं? हमारे जो बहुत से बाबा उनको ये कहना है कि करीम साहब जल्द उनसे मुलाकात भी करने जा रहे हैं, और जो 18 में जिनको टिकट दिए गए थे जो कि साथियों पार्टी के दिए गए थे उनसे भी रास्ते शुरू किए गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये सियासत के अंदर जो है वो आपकी कोई लिमिटेड बाउंड्री या कोई मखसूस मैदान नहीं होता। ये सियासी खिलाड़ी जहाँ जहाँ भी खेल रहे होते हैं वो जाहिर है किसी न किसी टीम के अंदर आके खेलना चाहते हैं। तो जैसा आपको आईपीएल में खेलने वाले जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट क्लब्स के अंदर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं वो आईपीएल हो, अब सिंध प्रीमियर लीग चल रही है, वो केपीके से भी उठ के जाके वहाँ खेल रहे हैं खिलाड़ी, तो सियासी खिलाड़ी भी इसी तरह एक प्लेटफॉर्म चाहता है, और वो प्लेटफॉर्म चाहता है जहाँ पे उसको इज्जत मिले, जहाँ पे उसको तहफ्फुज़ मिले, जहाँ पे उसको पजीराई मिले, और जहाँ पे उसको एक अवामी ओनरशिप से वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो। तो यही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस वक्त फोकस है, हमारी तवज्जो है कि केपीके हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हर जगह से जहाँ जहाँ अच्छे खिलाड़ी सियासत के मैदान में वो आईपीपी को ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको अपनी टीम में लाएं और अपनी टीम का हिस्सा बनाएं ताकि हम अच्छे नतायज हासिल कर सकें। जो एक पॉइंट मैं अपने शहर से मुतलका, चूँकि आपको भी पता है कि जिस घर ने आग लगा, जिस चिराग ने आग लगाई थी घर को, और फिर वो घर को आग लगी घर के चिराग से, उस्मान डार साहब, उनकी आप एक टीवी टॉक शो में आपने गुफ्तगू भी सुनी है, फिर उसके बाद उनकी वालदा की स्टेटमेंट भी सुनी है। तो उस्मान डार साहब ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियालकोट से सफाया कराया, 2018 के इलेक्शन में एक सीट भी एमएनए की पीटीआई सियालकोट से ना जीत सकी, 11 एमपीए की सीटों में से सिर्फ एक सीट एमपीए की जीती जा सकी, 10 सीटें पीटीआई हारी, उसकी वजह सिर्फ स्ट्रीट बॉयज़ की अपनी ज़ात के साथ जुड़ी दिलचस्पी थी और अपनी पार्टी के अंदर पार्टी बना के जो सियासत हो रही थी वो खींचा था नहीं, वो पार्टी के अंदर जो रिफ्ट थी वो अल्टीमेटली 2018 में पीटीआई का सियालकोट से सफाया करने का बायस बनी। अब जब खान साहब के साथ या चेयरमैन पीटीआई के साथ उन टीनेजर्स अंडर 19 और स्ट्रीट बॉयज़ ने उनको हावी हो के जिस तसादम के बयानिए की तरफ माइल किया और उनका भी तीला नहीं रहने दिया, अब वो वादा माफ गवाह बन के वो कह रहे हैं कि 9 मई की जो डर्टी गेम है उसके मैन ऑफ द मैच जो है वो इमरान खान है। ये मैं नहीं, वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान है 9 मई की डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच। उसके बाद उनकी वालदा की स्टेटमेंट आती है, तो मेरी भी वो माँ है, माएँ सबकी सांझी होती हैं, लेकिन मुझे ये सवाल करना है कि माँ का एहतराम अपनी जगह, हमें सिखाया जाता है कि हमारी माँ का एहतराम हर हाल में मुकद्दम है, लेकिन धरती माँ का एहतराम भी एक शहरी होते हुए हम सब का फ़र्ज़ है। तो धरती माँ को अगर आप ज़ख्मी करेंगे, धरती माँ को लहूलुहान करेंगे, धरती माँ का वजूद और उसका जो अपनी एहसास और वकार और तशख्स है उसको मलियामेट करेंगे, तो फिर दूसरों की माओं की इज्जत का तकद्दस जो है वो
उसके ऊपर भी सवालिया निशान आता है, और विकेट के दोनों तरफ खेल के आप एक तरफ एक बयानिया लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा बयानिया लेके चल रहे हैं, तो विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले जो हैं वो कभी ना सियासी महाज पे और ना खेल के मैदान में कामयाब हुए हैं, क्योंकि आपको कोई एक पोल चुनना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पोल कौन सा है जहां आपने गोल डालना है। तो आप इस वक्त ग्राउंड के दरमियान में खेल के पोल के मुंतजिर हैं, तो ये यकीनन ना तो सियालकोट के अवाम इतने बेवकूफ़ हैं और ना जिनको आप तसल्लियां दे रहे हैं वो इतने कोई गाफल है कि उनको पता ना हो कि डबल विकेट टूर्नामेंट क्या होता है। तो डबल विकेट टूर्नामेंट जो है वो डार फैमिली जो खेल रही है, मैं और मेरी तमाम जो टीम है वहाँ और इवन के पाकिस्तान भर के अवाम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त के हालात में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ के कुरान हाथ में उठा उठा के वो रपोश की आदत जो थी उसको गवाहियाँ देनी पड़ रही हैं कि डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच ये नहीं है। तो फिर क्यों आपको वो कुरान उठाने और कसमें देने की ज़रूरत पड़ रही है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, क्योंकि अगर आप सही हैं, आपको कोई ख़तरा नहीं, कोई आपने गलती नहीं की, आपने कोई ब्लंडर्स नहीं किए, तो आप क्यों छुपे हैं, क्यों रपोश हैं, सीना तान के आएँ और कानून का सामना करें? कानून रिलीफ भी दे रहा है, जो लोग बेगुनाह हैं उनकी जमानतें भी हुई हैं। तो लिहाजा ये अब सोशल मीडिया पे बैठ के बड़के मार के अपनी सियासी गजा को हासिल करने के लिए ये डरपोक टोला जो है ये उस जहां खान साहब को पहुँचाना था पहुँचा चुका है, क्योंकि उनको सलाखों के पीछे पहुँचाने वाले यही वो खुदकुश हमलावर थे जिन्हें मुखालफीन की बजाय अल्टीमेटली इन्होंने अपनी पार्टी पे वो खुदकुश हमले किए हैं और पार्टी का तहस नहस फेर के अब ये इमरान खान के उस बयानिए को वादा माफ गवाह बन के मलिया मेट कर रहे हैं। तो आप सब की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। कोई सनाउल्ला सनाउल्ला एक मिनट जी। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका सवाल है कि हमारे यहाँ स्टेटस को की जो पॉलिसी रही, ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया रहा और फिर नैब की जो ऊपर छतरी रही, वो बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट के जो काम थे उनको तखीर का शिकार करती रही। जो इमीडिएट वन विंडो ऑपरेशन थे या उनके मुतालिक इमीडिएट फैसले करने की ज़रूरत थी, वो स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे ना होने की वजह से वो तखीर का शिकार होते रहे। सारे स्टेक होल्डर्स अगर एक जगह बैठ के पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली और इक्तसादी रोड मैप को सेट करने के लिए पुरजम हो जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि यही एक फार्मूला है कि आपका मुल्क जो है उसको अब उस हैजानी कैफियत से निकाला जाए। हम डेफिनेटली ये समझते हैं कि जो स्किल्स हैं, जो ओरिएंटेशन है, जो एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है, वो जिस जिस इदारे के पास भी है वो इस कौम की अमानत है। इदारे मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उसके हकीकी कस्टोडियन जो है वो पाकिस्तान की अवाम है। तो जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेने वाला कोई भी इदारा कहीं पर भी बैठा हो, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए बनने वाले किसी भी मंसूबे के लिए उन्हें सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत होनी चाहिए और ये काम बहुत पहले होना चाहिए। और इसी तरह हम ये भी डिमांड करते हैं
कि हमारी ये फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक रोड मैप दे और तमाम सियासी जमातें उसको एंडोर्स करें और सियासी जमातों का उस हुकूमतों में आके उस लॉन्ग टर्म रोड मैप के अंदर छेड़खानी का कोई इख्तियार ना हो, क्योंकि सियासी अजायम आपकी मुल्की तरक्की और मौशी खुशहाली पे उसके साहिब नहीं पड़ने चाहिए। इसकी कीमत अदा की है पाकिस्तान ने और आज ये लड़खड़ाती उखड़ी सांसू वाली मईशत भी उसी सियासत का शिकार हुई है। तो इसको सियासत से हट के एक ऐसा फोरम बना दिया जाए कि जहाँ सियासतदानों की पहुँच ना हो, सियासतदान उसको थिंक टैंक के तौर पे ओवरलुक करें, वो एडवाइस करें, वो उसको ओवरऑल एक आप कह लें कि ग्रास रूट्स रियलिटीज के साथ जुड़े हकायक जो हैं उनको अपडेट करें, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर कोई चेंज करने का इख्तियार ना हो, क्योंकि पूरी कौम का वो रोड मैप जो है फिर वो लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करे। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसी भी ऐसी सोच की सपोर्ट करेगी, क्योंकि इदारे बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन अवाम उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अवाम और अदारे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। आखिरी सवाल जी, अगर इसको कप्तान आप जैसे अगर आते हैं और अपने ग्राउंड पे आ जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम देखें आईपीपी जो है सिर्फ एडजस्टमेंट कर रही हो पंजाब के अंदर किसी आने वाली स्टेज में? देखिए दूसरा मैडम, अगर नवाज शरीफ आने से पहले ही अभी मुस्लिम लीग नून की तो प्रॉपर मुहिम शुरू हुई हुई है, उसके बाद आपको माहौल कैसा नजर आता है अगर नवाज शरीफ पार्टी? देखिए जो सियासत जो होती है वो मैदान की होती है, सियासत ड्राइंग रूम की नहीं होती है। ड्राइंग रूम में आप सियासी हिकमत अमली तरतीब देते हैं, उसकी प्रैक्टिकल जो शेप है वो सियासी मैदान में नज़र आती है। तो अगर इवन फील्ड से निकल के नवाज शरीफ साहब सियासी मैदान में आ जाते हैं तो सियासत में गहमा गहमी होगी और बाकी जो कानून से उनकी आंख मचोली है वो यकीनन उससे मीडिया को रोज़ अच्छा एक चस्केदार टेस्ट जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन जो आपकी बात है, सियासत में हलीफ और हरीफ बदलते रहते हैं और सियासत के अंदर कभी कोई चीज़ हरफे आखर नहीं होती, हालात वाक्यात सूरत हाल सियासी हिकमत अमली को जन्म देती है। तो वो आने वाले वक्त में क्या होना है, आपका इलेक्टोरल जो रोड मैप है उसके अनाउंसमेंट के बाद ही हमारी जो हिकमत अमली है कि कहाँ किस हलके में हमने किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, कहाँ हमने इंडिपेंडेंट जाना है, कहाँ हमने अपनी ताकत को आजमाना है, ये सारी स्ट्रेटजीज टू अर्ली टू डिस्कस। थैंक यू जी।